एक्शन भाई, आज जिंदगी में पहली बार हार कर भी भाई एक टीम की तारीफ इस वजह से करनी है कि भाई पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन भाई किसको पता था कि मैक्सवेल आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो इस लंगड़े लूले मैक्सवेल ने बैटिंग की है भाई, देखें इसमें तारीफ कोई नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा, फिर कोई जिसने मैच देखा हो तो भाई जो बैटिंग वो कर गया है, ऐसी बैटिंग आपको सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब मैक्सवेल हैज टोटली मैक्स्ड आउट। जिस तरह आज मैक्सवेल, इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस मैक्सवेल टुडे, इट वाज मैच हो गया। मैक्सवेल यार तू क्या चीज है यार, स्पीड ग्रेट हो गई है। कितने आदमी थे गब्बर, एक अकेला लंगड़ा, एक अकेला इंजर्ड मैक्सवेल और अफगानियों की दूसरी गोल कर दिया। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये नहीं कि बारिश हो गई हम जीत गए, हमारा मसला हल हो गया, ये वाला नहीं। पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने, और यहाँ पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को धोया है। ये मैक्सवेल वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, वो यही है। ये सदियों मैच याद रहेगा और सदियों मैक्सवेल की बारी याद रहेगी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होने से बचा लिया भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक अनबिलीवेबल विक्ट्री को विक्टोरी बना दिया मैक्सवेल ने, और जिस तरीके से आज मैक्सवेल ने खेला, 97 रन में 7 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं 120 या 150 के अंदर ही पैक हो जाए। लेकिन जब मैक्सवेल अपने फॉर्म में आते हैं और जब उनका कैच छूटता है तो अंजाम क्या होता है वो आज मैक्सवेल ने बता दिया। अपने मतलब हैमस्ट्रिंग लेग के साथ उन्होंने आज जिस तरीके से कहर बरपाया अफगानिस्तानी बॉलर के ऊपर, मतलब क्या ही कहा जाए। अफगानिस्तान जो ये मैक्सवेल की पारी था अफगानिस्तान के खिलाफ, इसको वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर में लिखाया जाएगा, क्योंकि 128 बॉल में एक तो वर्ल्ड कप में 201 रन बना लेना, फिर 21 चौके और 10 छक्के, और वो भी हैमस्ट्रिंग के लेग के साथ। कभी वो क्रैम्प भी कर गया था, बोले वो सेक हो रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उठ के इतना बड़ा स्कोर बना देना और चेस कर लेना अकेला, सिंगल हैंडली आज धो देना अफगानिस्तान को, ये बताता है कि भाई मैक्सवेल की पोटेंशियल क्या है। इस भाई आज जिंदगी में पहली बार हार कर भी भाई एक टीम की तारीफ इस वजह से करनी है कि भाई पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन भाई किसको पता था कि मैक्सवेल आके खड़ा हो जाएगा। भाई वेल डन, तारीफ करनी पड़ेगी भाई मैक्सवेल की। भाई क्या धोया है यार अफगानिस्तान के बॉलर्स को, क्या धोया है मैक्सवेल ने भाई। आज मैक्सवेल के लिए यकीन करें भाई, इस पूरे वर्ल्ड कप में, इस पूरे इवेंट में अगर कोई अच्छी इनिंग खेल के गया है तो वो मैक्सवेल खेल के गया है भाई। भाई डिजर्व करता था ये बंदा, ये जीत डिजर्व करता था, ये विन डिजर्व करता था, जिस तरीके से ये अफगानिस्तान के स्पिनर के खिलाफ खेला है और पेसर के खिलाफ खेला है भाई, मैं बता नहीं सकता हूं। अनबिलीवेबल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को भाई। मैच तो हम तब ही हार गए थे जब मुजीब ने कैच ड्रॉप किया और हमारे कैप्टन ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन भाई ये नहीं पता था कि मैक्सवेल इस तरीके से खेलेगा। अनबिलीवेबल भाई, पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने, और यहां पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को धोया है। ये मैक्सवेल वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, वो यही है। दुनिया में हमने और आपने बहुत ज्यादा सुना है कि वन मैन आर्मी भाई, ये रियल वन मैन आर्मी है जिसने आज अकेले ही पूरे अफगानिस्तान की टीम को धो दिया। आप देखिए कि कमिंस जो है वो 68 पे 12 रन बना के गया है भाई, 68 बॉलों पर सिर्फ 12 रन बना के गया है। वन मैन आर्मी जो है स्ट्राइक पर जो है चिपक गया और अफगानिस्तान की जो धुलाई की है भाई, आज तो भले ही अफगानिस्तान हमारी टीम हो लेकिन जो बंदा अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ की जाएगी। आज मैक्सवेल अच्छा खेला, अच्छे से बढ़ के भी अच्छा खेला भाई, ये जीत बिल्कुल मैक्सवेल जो है वो डिजर्व करता था। लेकिन जो इस लंगड़े लूले मैक्सवेल ने लंगड़ा बैटिंग की है भाई, देखें इसमें तारीफ कोई नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा, फिर कोई जिसने मैच देखा हो तो भाई जो बैटिंग वो कर गया है, ऐसी बैटिंग आपको सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है, चाहे सामने अफगानिस्तान हो। बॉल कोई बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट नहीं दी गई अफगानिस्तान को और बॉल स्विंग कर रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया, बाद में थोड़ा तजुर्बे का फायदा उठाया, राशिद खान के बीच की विकेटें आई। क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जब ये क्वालिटी स्पिन के आगे आएंगे या
इनके ऑलराउंडर्स तो ये बेकार हो जाएंगे, वो बेकार हो गए, पर ग्लेन मैक्सवेल एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है इनके मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ के बाद, जो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है और बहुत अच्छा मारता है। जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी 60-70 रन बनाए, पहले भी अच्छे बनाए, लेकिन टांग उसकी चल नहीं रही है और वो सिर्फ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स, यहां से वो छक्के मार रहा है सिर्फ, तो कमाल कर दिया भाई। ग्लेन मैक्सवेल की जितनी तारीफ की जाए, डबल टर्न और ऐसा डबल टर्न शायद ही आपने किसी का देखा हो चेजिंग कॉज में। आई थिंक ये फर्ज वाहिद बन गया है दुनिया का। ये जो आज मैक्सवेल ने शॉट मारे अपनी टांग को लेग स्टंप पे रखे रखे, ये भी कुछ अजीब गरीब बैटिंग है। इस तरह की इनिंग एफर्ट बाय ग्लेन मैक्सवेल, वी हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट। ये वो लंगड़ा रिजवान की तरह वाली हरकतें दिखी, लेकिन बीच में ये ठीक नहीं हुआ, ठीक ना हुआ। दूसरा ये कि उसने ये नहीं दिखाया कि यार मेरी टांग में मसला है, उसने ये बताया कि मैं सबकी टांगे तोड़ दूंगा। जो बची कुची बॉलिंग थी, 200 तकरीबन 3 रन की पार्टनरशिप यार, 91 for 7 भाई की पार्टनरशिप, 6 for 87 for 89, और उसके बाद निकल कर आया क्या कि पैट कमिंस एक जगह पे 70-75 बॉले खेल के खड़ा रहा, डबल फिगर में आया, 10-12 रन बनाने के बाद उसने सारे रन मैक्सी, यानी के 200 रन इसके, 201 रन जो पार्टनरशिप के वो अकेले इसने बनाए। किसने? किसने? मैक्सवेल ने। अच्छा, मुमकिन नहीं था, वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी आप ख्वाब में तो इस तरह का देख सकते हैं, मगर हकीकत में एक ही मरतबा हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये नहीं कि बारिश हो गई हम जीत गए, हमारा मसला हल हो गया, ये वाला नहीं। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी चेजिंग कॉज में एक आदमी का इतना बड़ा एफर्ट देखा है, क्यों, और वो भी आधी इनिंग में उसके क्रैम्स पड़ लेते, कमर उसकी जो वो बैकफुट पे मारा जा रहा था, पहले उसने मेथड बना लिया था कि मैं बैकफुट पे आगे की गेंदे भी मारूंगा, वो चौके ज्यादा मार रहा था, लेकिन जब उसे समझ आई और एडम जैम्पा दो बार नीचे आए कि यार मैं बाहर चला जाऊंगा, तो मैक्सवेल ने ठानी कि आखिरी बार जो फिजियो उसकी खिदमत ली, तो उसने ठानी कि अब मैं अपनी कदम नहीं हिलाऊंगा, अब मैं अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे अपने फोर आर्म्स की ताकत से, और उसने फोर आर्म्स की ताकत से नवीन को और उमर जई को रिवर्स भी मारे, और वो जो व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब मैक्सवेल हैज टोटली मैक्स्ड इट आउट। जिस तरह आज मैक्सवेल, इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस मैक्सवेल टुडे, इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड क्या भाई क्या परफॉर्मेंस किया, मतलब एक साइड पे करके रख दिया, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मगर मैं अपनी टीम को लाइन के पार लेकर जाऊंगा, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस हियर मैक्सवेल, मतलब ये साला साल लोगों को याद रहेगी ये परफॉर्मेंस, साला साल सवेरा, दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर, स्कोरिंग 201, a one man army, the single warrior has defeated Afghanistan 91 for 7 in the 19th over to 293 on 7 wickets। सवेरा क्या ये अभी जो स्पेक्टिकल हमने देखा है, ये क्रिकेट में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक टीम की 19वें ओवर में 292 की चेज के ऊपर 7 विकेट गिर जाए, और वो टीम जिसमें कप्तान 68 बॉलों में सिर्फ 12 रन बनाए और एक बंदा 128 बॉलों में 201 रन बनाए, 21 चौके 10 छक्के, 157 द स्ट्राइक रेट, दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेज एवर दैट हैज बीन पुल्ड बाय ग्लेन मैक्सवेल। सरवाइव की मैक्सवेल ने, वो क्रैम्प्ड अप हुआ, वो कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर, आपने क्रिकेट में सुना होगा बहुत सारी दफा, स्टैंड एंड डिलीवर होता क्या है, वो ये होता है कि अ मैन हु स्टैंडिंग ऑन नो लेग्स, जिसकी टांगे जा चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, और वो चेस को पुल कर लेता है, जो कि आज तक 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप्स में कभी ना हुई। सवेरा, दिस इज अनब्लडी बिलीवेबल, दिस इज नॉट जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग इज जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट, व्हाट वी हैव सीन टुडे, इट हैज नेवर एवर बीन डन बिफोर। ये एक्सबॉक्स नहीं है, ये प्ले स्टेशन नहीं है, ये स्टिक क्रिकेट नहीं है, ये बुक क्रिकेट नहीं है, असल क्रिकेट के मैदान में आपने अपने बचपन में सोचा होगा मेरी टीम हार गई, मैं आऊंगा, मैं अकेला छक्के मारूंगा, शायद वो जो ड्रीम रियलिटी, एक ड्रीम वर्ल्ड हो, आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा एज अ किड, एज अ टीनेजर। ओह मैन, एंड ग्लेन मैक्सवेल हैज एब्सोल्युटली डन दैट फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी। What a performance and what a stunner, Savera. What a total stunner. मतलब Maxwell was, this was Maxwell madness today. जिस तरह ये madness इस तरह दिखाई है ना Maxwell ने, and this madness with sensible madness, because जिस तरह से he just kept doing it, he kept doing it, run नहीं भागा जा रहा, but run भी भाग रहे हैं, साथ partner खड़ा हुआ है, मगर partner सिर्फ support के लिए खड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कि अपने shell में चले जाना, test cricket उठा लेना, Maxwell तुम मारो, मैं सिर्फ तुमको strike देने के लिए यहाँ। दोस्तों, जैसे कि आपने video में देखा कि Maxwell का दीवाना पूरा पाकिस्तान मीडिया, क्या पूरा दुनिया आज बन गया है, क्योंकि ट्विटर में आज Maxwell ट्रेंड कर रहे हैं, और बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों, क्या एक डिकेड तक ये याद रखा जाएगा कि Maxwell की ये पारी की जो इंपोर्टेंस है वो क्या है, और अकेला एक टीम को
200 रन बनाकर जीत लेना भाई, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि भाई इतना बड़ा स्कोर करके कोई जिताया। और वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 48 ईयर हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि भाई इतना बड़ा प्लेयर, मतलब मैक्सवेल का नाम तो था लेकिन जितना बड़ा ये उन्होंने जीत दिला दिया ना अफगानिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया को, ये शायद एक वर्ल्ड कप जीतने की खुशी से, मतलब विक्ट्री से भी बड़ा जो सक्सेस उनके नाम पर लिख दिया जाएगा कि मैक्सवेल को अब कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि उनके नाम पे जो ये 201 रन लग गए हैं ना, और वो भी एक वर्ल्ड कप के मैच में, ऐसे मैच में जो मैच जीतकर अब आज ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी कर गया सेमीफाइनल के लिए। लेकिन जिस तरीके से 97 रन से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उठाया तो भाई क्या ही कहना, मैक्सवेल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और मैक्सवेल की 201 रन की पारी को आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।